उधर ग्रीस दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जोरदार स्वागत हुआ। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, इसमें रक्षा सहयोग और अन्य क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। पीएम मोदी ने ग्रीस के साथ भारत के संबंधों को प्राचीन और मजबूत बताया। ब्रिक्स समिट के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक और बुनियादी मजबूत संबंध बताते हुए ग्रीस की जमकर तारीफ की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने समकक्ष प्रधानमंत्री को भारत आने का न्योता दिया, जिन्होंने इसको स्वीकार कर लिया है। दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स समिट के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रीस के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। ग्रीस में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी का स्वागत करने आए भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। राजकीय सम्मान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने के बाद प्रेस को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ग्रीस और भारत दुनिया की दो पुरातन सभ्यताओं, दो पुरातन लोकतांत्रिक विचारधाराओं और दो पुरातन व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों के बीच एक स्वाभाविक मेल है। हमारे रिश्ते की बुनियाद प्राचीन और मजबूत है। ग्रीस और भारत, ये एक स्वाभाविक मिलन है। विश्व की दो पुरातन सभ्यताओं के बीच, विश्व के दो पुरातन लोकतांत्रिक विचारधाराओं के बीच और विश्व के पुरातन व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों के बीच, फ्रेंड्स, हमारे संबंधों की नींव जितनी प्राचीन है उतनी ही मजबूत है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देश सैन्य संबंधों के साथ साथ रक्षा उद्योग को सशक्त बनाने पर सहमत हुए हैं। पीएम मोदी ने बताया कि आज हमने आतंकवाद और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर भी चर्चा की है। हमने तय किया है कि NSA स्तर पर संवाद का एक मंच होना चाहिए। पीएम मोदी ने आगे कहा कि ग्रीस के प्रधानमंत्री और मैं इस बात से सहमत हैं कि हमारा द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले समय में इसमें बढ़ोतरी की अपार संभावनाएं हैं। इसलिए हमने साल 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने का निर्णय लिया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि 40 साल के लंबे अंतराल के बाद कोई प्रधानमंत्री ग्रीस आया है, फिर भी हमारे रिश्तों की गहराई और गर्माहट कम नहीं हुई है। इसलिए ग्रीक पीएम और मैंने भारत ग्रीस संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाने का फैसला किया है। हमने रक्षा और सुरक्षा, बुनियादी ढांचे, कृषि, शिक्षा और नई और उभरती प्रौद्योगिकी और कौशल विकास के क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ाने और अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का फैसला किया है। विज्ञान, कला और संस्कृति, सभी विषयों में हमने एक दूसरे से सीखा है। आज हमारे बीच जियोपॉलिटिकल, इंटरनेशनल और रीजनल विषयों पर बेहतरीन तालमेल है, चाहे वो इंडो पैसिफिक में हो या मेडिटेरेनियन में हो। दो पुराने मित्रों की तरह हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और उनका आदर करते हैं। 40 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री का ग्रीस आना हुआ है, फिर भी ना तो हमारे संबंधों की गहराई कम हुई है, ना ही रिश्तों की गर्मजोशी में कमी आई है। इस दौरान पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ग्रीस के सहयोग के लिए ग्रीक पीएम को धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच कुशल प्रवासन को आसान बनाने के लिए हमने जल्द ही एक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौता करने का भी निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि मैं द ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से मुझे सम्मानित करने के लिए हेलेनिक गणराज्य के लोगों और राष्ट्रपति के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से इसे स्वीकार किया है और आभार व्यक्त किया है। वहीं प्रेस को संबोधित करते हुए ग्रीक के प्रधानमंत्री कियारिकोस मित्सोताकिस ने
सबसे पहले पीएम मोदी के भारत आने के निमंत्रण का स्वागत किया और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफलता पर बधाई दी। जाहिर है ग्रीस के साथ भारत के प्राचीन और ऐतिहासिक संबंध हैं और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष फोकस करते हुए याद दिला है कि भले ही किसी प्रधानमंत्री को आने में यहाँ 40 साल का वक्त लगा हो, लेकिन हमारे संबंध इतने मजबूत है कि इससे इसकी बुनियाद कमजोर नहीं होती है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बताना नहीं भूले कि भारत और ग्रीस के पारंपरिक संबंध यहाँ पर नई तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे और इसको लेकर नई ऊर्जा के साथ दोनों देशों के बीच जो समझौते हुए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।